ओम साई राम फ्रेंड्स, आज हम लोग ये अंगूठे वाला मोजा बनाएंगे। इसको हम चप्पल पे भी पहन सकते हैं और जूते में भी। ये देखिए, अंगूठे वाला भी है प्लस एड़ी वाला भी है, एड़ी भी बनी है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिलाई में 50 फंदे डालने हैं और 50 फंदे डालने के बाद देखिए, दो सीधा दो उल्टा बनाते हुए कम से कम 22 सिलाई, कम से कम 22 सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने 10 फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है। बॉर्डर बनाने के बाद दो सीधा तो उल्टा का और फिर 10 फंदे बढ़ाने। तो ये देखिए, हमने दूसरे का बना रखा है, तो ये बॉर्डर हमने बना लिया है और यहाँ पे 10 फंदे बढ़ा भी दिए हैं। अब हमें सादा सादा बुनना है, जैसे कि इसमें बुना है। लगभग इसमें भी 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कम से कम 16 सिलाई हम सादा बुनेंगे, यानी सीधे में सीधा बुनेंगे और उल्टे में उल्टा बुनेंगे। उसके बाद हमारी ये मोजे की एड़ी घटेगी। फिर मैं यहाँ तक बना कर इतनी लंबाई करके फिर आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। ये देखिए, हमने यहाँ तक बना लिया, ऊपर हमारा ये देखिए बॉर्डर बन गया। बॉर्डर के बाद सादा वाला भी बना लिया। अब हमें क्या करना है कि बॉर्डर के बाद हमने 10 फंदे बढ़ाए थे, तो नीचे 50 था, ऊपर 60 हो गया। 60 फंदे सादे सादे बिनने के बाद अब हम क्या करेंगे कि 30 फंदे को दूसरे सिलाई में या पिन में ऐसे ऐसे हमने उतारा है, उतार लेंगे और बाकी 30 फंदों में हम फंदे को घटाएंगे। तो एक फंदा इधर घटाएंगे और एक फंदा इधर। ये देखिए, जो 30 फंदे हमने अलग किए हैं उसमें हमें एक फंदा इधर घटाना है और एक फंदा यहाँ घटाना है। ये 30 तो इधर अलग है, इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं बुनना है। और ये एक फंदा अब हम इधर घटाएंगे, एक फंदा इधर बुन लेंगे, यानी दो फंदों का एक फंदा कर देंगे। अब देखिए, एक हमने इधर घटाया शुरू में और एक इधर घटाया, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे। ऐसे बनाते बनाते जब हमारे पास इधर, मतलब हर सीधे में हम घटाएंगे, हर सीधे में एक फंदा इधर घटाएंगे, एक फंदा इधर घटाएंगे, और घटाते घटाते जब हमारे पास यहाँ पे 10 फंदे बचेंगे फिर हम रुक जाएंगे। चलिए, ये घटाते घटाते हम 10 फंदा बना के फिर आपको बताते हैं आगे क्या। ये देखिए, हमने फंदे घटा लिए यहाँ से, जहाँ से ये 30-30 फंदे अलग किए थे, तो 30 फंदों में इधर उधर घटाते घटाते अब हमारे पास 10 फंदे बचे हैं। अब इन 10 फंदों का हमें क्या करना है, उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बिन जाएंगे। उल्टी सिलाई हमने बना ली है, अब सीधे में क्या करेंगे, सीधा पूरा बुन जाएंगे 10 फंदे। ये हमने 10 फंदे पूरे जितने हमारे बचे थे बुन लिया। अब हमें क्या करना है, एक एक फंदे उठाने हैं, जो हमने इतनी सिलाइयों में सीधे में घटाया है, तो हर सीधे में हमको ऐसे उठाना भी है। देखिए, एक फंदा उठा के ऐसे बुन लेंगे। अब उल्टी सिलाई तरफ उल्टा उल्टा बुनते हुए जब यहाँ तक आ जाएंगे फिर यहाँ का फंदा उठाएंगे। ये देखिए, ये बिन लिया। अब हम यहाँ से फंदा उठाएंगे। हमको ऐसे ही करना, जितने फंदे हमने घटाए हैं यहाँ तक ऐसे हमें पूरे फंदे उठा लेने, यानी हमारे पूरे 30 फंदे फिर कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ तक आते आते। अब फिर बिन लेंगे पूरा। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं कि फंदे कैसे उठाएंगे। 10 थे, अब हम पास 12 फंदे हो गए। अब फिर यहाँ पे उठाएंगे फंदे, जो फंदे हम घटाते आए ना
वही फंदे हमको उठाने हैं। एक बार ये सीधे में उठाएंगे और फिर उल्टा बीन के फिर इधर से उठाएंगे, तो हमारी एड़ी बनती हुई दिख जाएगी। थोड़ा सा और बन जाए फिर आपको लगे पता लगेगा एड़ी बन रही है। ये देखिए उल्टी सिलाई में भी सारे फंदे उल्टे उल्टे घूम लिए। अब हम यहाँ से फंदे उठा लेंगे, एक बार सीधे से उठाएंगे और एक बार उल्टा बनने के बाद उठाएंगे। ऐसी दूरी रख के उठाइएगा कि नीचे तक पूरे 15 फंदे इधर उठाने हैं, 15 इधर उठाने हैं, सॉरी 10 बीच में है तो 10 फंदे इधर उठाने हैं और 10 फंदे इधर तक उठाने हैं। ये देखिए एड़ी बननी शुरू हो गई है। ऐसे ऐसे पूरी यहाँ तक हो जाएगी। जब हम पास 30 फंदे हो जाएंगे फिर आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। पूरे फंदे उठ गए और ये एड़ी भी बन गई। देखिए अब हमें क्या करना है, ये पूरा फंदा यहाँ से और यहाँ तक बुन के ये वाला फंदा भी उसके साथ अब ऐसे जोड़ लेना है। चलिए यहाँ तक बुन के फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए एड़ी वाला हिस्सा भी यहाँ तक बुन लिया। अब हम ये सारे फंदे भी इसी के साथ देंगे। अब हमारे पूरे 60 फंदे एक साथ हो गए। अब ये 60 फंदे हमें क्या करना है, सीधा सीधी सिलाई में सीधा उल्टी सिलाई में उल्टा बुनते हुए जो हमारे अंगूठा है उसके नीचे तक की लंबाई पूरी कर लेनी है। यानी लगभग 5 इंच या 5.5 इंच जैसा पैर हो जिसके लिए आप बना रही हो, तो अंगूठे के नीचे तक की लंबाई हमें सादा सादा ही बुनना है। पहले वाले मोजे से समझ लीजिए, ये हमारा यहाँ पे जुड़ गया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पूरा सीधा और उल्टा ही बुनना है, यानी सीधे में सीधा बुनना है और उल्टे में उल्टा बुनना है। जब हम ये लंबाई पूरी कर लेंगे यहाँ तक, इसके बाद फिर हमारा अंगूठा और ये चारों उंगली वाली इससे अलग अलग बनेंगे। तो यहाँ तक की लंबाई कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। इतना कंप्लीट करिए फिर आगे बनाते हैं हम लोग कि कैसे बनेगा। देखिए फ्रेंड्स ये लंबाई आ गई है हमें। अब हमें क्या करना है, इसका पंजा और अंगूठा बनाना है। तो अंगूठा बनाने के लिए हम ये करेंगे कि ये जो हमने खुला वाला हिस्सा है जहाँ से हमने एड़ी बनाई है, इधर से हम 12 फंदा और इधर से ये बने, यानी दोनों खुले तरफ से हम 12-12 फंदे दूसरी सिलाई पे चढ़ा लेंगे। ये देखिए 12 फंदे हमने ये हुक पे उतार लिए हैं। अब हमारे इधर भी 12 हमें छोड़ना है, तो बीच में हमारे पास 35 फंदे बचे हैं। 35 फंदों में हम आधा बिन लेंगे, बीचों बीच से हमें 3 फंदों का एक फंदा करना है। ये देखिए 16 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हमें 3 फंदों का एक फंदा करना है, ऐसे पीछे से इसको ये 2 फंदे एक साथ करिए और इस फंदे को इस पे उतार दीजिए और ये वाला फंदा ऐसे ये चोटी बनती चली जाए। ये मेरे पंजे का हिस्सा बन रहा है, मोजे का पंजे वाला हिस्सा बन रहा है। फिर हम 16 फंदे, ये देखिए इधर वाला भी हमने हुक पे उतार लिया है, फिर वैसे ही बीनेंगे उल्टा उल्टा। पीछे भी हमें फंदे घटाने हैं, हमें दोनों तरफ से फंदे घटाने हैं पंजा बनाने के लिए। ये देखिए अब हमने आगे की सिलाई में 16 फंदे बुने थे, अब हम 15 फंदे बुनने के बाद चोटी बनाएंगे। यहाँ पे ये फंदा घटा है वहीं घटाएंगे, 3 फंदों का एक फंदा करना। ये देखिए 15 फंदे हो गए। अब इसको ऐसे करना है, जो हमने चोटी बनाई है इस फंदे को पीछे से सिलाई में उतार के और ये वाले इधर से लेके इसके ऊपर ये उतार दीजिए और इसको चोटी बन जाएगी। आगे से दिखाएंगे
लिए 1500 लूंगी, सीधे में भी हमें घटाना है और उल्टे में भी घटाना है। ये देखिए फिर आ गए हम सीधे तरफ से, ये जो हमारी चोटी बनी है इस चोटी की इधर उधर मिला के कंधों को हमें घटाना है। तो इसको ऐसे उतार लीजिए और इसको से ये चोटी बन गई। ऐसे ही हमको बिनते बिनते जब हमारे पास 4 फंदे या 5 फंदे बचेंगे फिर उन फंदों को हमें एक साथ उतार देंगे। उल्टी सिलाई में एक बार फिर समझ लीजिए कैसे घटाना है। ये जो 3 फंदे ये चोटी वाला फंदा है इसको हम ये सिलाई में पीछे से ऐसे पकड़ लेंगे और ये वाला फंदा उतारेंगे। उतारने के बाद इस पे रखेंगे और इसको उल्टा करेंगे, ये हमारी चोटी बन जाएगी। ऐसे ही हमें दोनों तरफ से घटाते हुए पूरा कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरा पंजा हमारा बन गया, ये पंजे वाला हिस्सा है। अब हमारे पास 7 फंदे बचे हैं, इन 7 फंदों को हम एक ही इसमें उतार देंगे। उतारने का तरीका हमने बताया है अपने कई वीडियो में, फिर भी आप ये देखिए, ये देखिए कैसे किया। और जो फंदा टाइट है ये ऊन हम खींचेंगे, जो टाइट वाला ऊन है उससे इसको बीन के ऐसे ऐसे सारे फंदे बीन के हम उतार लेंगे। ये देखिए फंदे उतार लिए सब। अब इसको इसी में ऐसे खींच लीजिए, ये गोल गोल सा बन जाएगा। ये देखिए पंजा हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना इस मोजे का अंगूठा बनाना है। तो जो हमने दोनों साइड से 12-12 फंदे ये पिन पे चढ़ा रखे हैं उनको उठाना है। और यहाँ से उठाइए फंदे, ये देखिए फंदे उठा लिए हमने। और फंदे ऐसे उठाने हैं कि ये खुला वाला हिस्सा है यही खुला रहेगा, ये जो बीच में हमारा ये है इसको हम यहाँ से पूरे ये 24 फंदे बिनते बिनते अंगूठा अपना कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसको हमें बुनना है। एक साथ बुनने हैं पूरे 24 फंदे को। दोस्तों आप ये मोजा बनाइए, ट्राई ज़रूर करिए और कैसा लगा आपको ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, इसको शेयर भी करिए। अब इसको हमें सीधा सीधा बुन के ये देखिए यहाँ से जुड़, अब ये सीधा सीधा हमें कम से कम 14 सिलाई बनानी है। जेंट्स का है तो 14 सिलाई बनानी है, उसके बाद हमने जैसे इधर उतारा है ऐसे सारे फंदे एक साथ उतार देंगे। ये सिलाई कंप्लीट करके इसको देखते हैं। ये देखिए अंगूठे की लंबाई हो गई। अब इसको जैसे हमने ये फंदे उतारे हैं ऐसे इसको भी उतार देंगे। एक बार और देख लीजिए हमें फंदा कैसे उतारना है। इसको बिन के ऐसे छोड़ दीजिए और जो ऐसे ऊन खींचिए जो टाइट है उससे इसको बुनिए और इसको छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे पूरी सिलाई उतार लीजिए सारे फंदे। ये देखिए सारे फंदे हो गए उतर गए। अब इसको इस वाले हुक में ये वाला फंदा डाल के
खींच दिया कि बहुत ही गोल सा बन जाए। अब इसको यहाँ पे सिल देना है और ये मोजा इधर, ये सिल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से सिलाई सिल के और यहाँ पे ये वाला सिल के मोजा हो गया तैयार। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।